गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल अभी मैं हूँ महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ वाराणसी में। गाइज, मैं यहाँ पर आया हूँ वंदे भारत इनॉग्रल जर्नी कवर करने के लिए। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ शशांक भी साथ में। शशांक यहीं कहीं है। तो भाई, इनॉग्रल जर्नी कल होगी, ठीक है, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। तो भाई, मैं बहुत पहले से मतलब प्लान कर रहा था कि कभी ना कभी जाएंगे, कभी ना कभी जाएंगे, और आज फाइनली आ गए। तो सोचा चलो आपको मतलब महादेव के दर्शन कराते हैं, गंगा आरती दिखाते हैं, ठीक है ना, मणिकर्णिका का घाट लेके जाते हैं, मतलब बहुत सारे फन करने वाले हैं हम यहाँ पर। वो सारी चीज़ें आपको व्लॉग में दिखाने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पीछे देख सकते हो वाराणसी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन। इधर से आप जंक्शन देखो भाई, कुछ ऐसा है जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है यार। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं कि लाइक यहाँ से निकलते हैं जल्दी, शशांक को बुलाते हैं, और मतलब मेरे को आइडिया नहीं भाई कहाँ कैसे क्या जाना है। उसका घर है, उसको बहुत पूरा आइडिया है यहाँ पर, ठीक है। उससे मिलते हैं, उसके बाद फिर मतलब स्टार्ट करते हैं, प्लान करते हैं अभी से, मतलब क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मुश्किल से आप समझ सकते हो 20 घंटे मान लो, नाइट इंक्लूडेड है उसमें, नाइट को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इधर देखो, इधर कुछ ऐसा सीन है बाहर साइड का, और इधर कुछ ऐसा सीन है। तो गाइस, फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं बाहर। लाइक जयपुर की तरह है, जैसे मतलब एंट्रेंस होता है वैसे जयपुर की तरह ये भी है, बस रोड मतलब ऑटो सारा कुछ चल रहा है, ऐसा समझ लो। इस साइड में फ्लाईओवर बना हुआ है सामने, और रास्ता पता नहीं यहाँ वहाँ जाना है मेरे को। आई लव वाराणसी लिखा है ना, वहाँ जाना है। जल्दी से चलते हैं और मतलब नाश्ता वास्ता करते हैं कुछ, ठीक है। भाई अभी हमने ई रिक्शा कर लिया। भाई कहाँ ले चल दो? अच्छा चलो भाई, यहाँ का सीन देखते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा है यार, ये सीन देखो वाराणसी। अच्छा, अच्छी फीलिंग्स है, पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पर। अभी देखते हैं जहाँ पहुँच रहे, शशांक लेके जा रहा है, वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि आज। शशांक ने बोला कि भाई वहाँ रुकेंगे घाट के पास में, जहाँ पे मतलब गंगा स्नान कर लेंगे, मंदिर वंदिर में दर्शन कर लेंगे, सारी चीज़ें कोशिश करेंगे वहीं पर स्टे करें, और कल वहीं से मतलब यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इनॉग्रल होगा 2 बजे, उससे पहले मतलब आने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है, मतलब कोई कुछ पहले क्यों आए, बाद में आएंगे आराम से। भाई अभी आप रोड देखो भाई, क्या ही ट्रैफिक लगता है यहाँ पे, और क्या ही मस्त तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं। गाइस अभी सीन देखो, आई डोंट नो हम कहाँ पर हैं, काशी के मोस्ट पता नहीं क्या है, अभिनंदन रोड क्रॉस करते हैं भाई। ट्रैफिक देखो गाइस। भाई यहाँ की सबसे फेमस जगह पहलवान लस्सी, जहाँ पर यह पूड़ी सब्जी और जलेबी मिलती है। ये शशांक लेके आया है। विकी भाई से मिलो और गुरप्रीत, लो हेलो तो बोलो यार। हेलो भाई, बड़े आप मेरे से पूछो कैसे हो, मैं नहीं बताऊंगा। ये भाई आलू छोले की सब्जी और पूड़ियाँ। भाई जल्दी टेस्ट। भाई मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा है। अजमेर में मैं कंटिन्यू खाता रहता हूँ। अरे सच में अच्छा है भाई, मैं अजमेर में खाता हूँ, वहाँ पर 45 रुपये की मिलती है, 5-6 पूड़ियाँ मिलती हैं, बट वहाँ से अच्छा टेस्ट है, जेन्युइन बहुत अच्छा टेस्ट है। प्राइस अभी और प्राइस क्या है इसकी? 20 रुपये। 205 का, मतलब 25 रुपये, नहीं जो भी है यार। सो गाइस अभी हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ बनारस का सबसे फेमस डिश मलइयो, जो कि यहाँ पे खा रहे हैं पहलवान लस्सी। मतलब ये ले लिया हमारे विकी भाई ने, बोल रहे अभी खाना है, तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। गाइस अभी सीन देखो इस साइड में, अभी हम जा रहे हैं इधर। भाई रोड क्रॉस करनी है सबसे पहले, तो रोड क्रॉस कर लें, उसके बाद में मतलब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं ये सारे लोग। घाट की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता सीधा गया घाट की तरफ, और हम जा रहे हैं घाट की तरफ। दो वो जा रहे हैं, एक ये जा रहे हैं, एक ये विकी भाई जा रहा है। मलइयो खाया था, मलइयो का टेस्ट ठीक था, मतलब मुँह में रखते ही गायब हो रहा था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मतलब इतना ना ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था, बट ठीक था। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ, घाट पे जाके मतलब प्लान करेंगे। पहले तो सबसे पहले धर्मशाला या होटल लेंगे, बैग वैग रखेंगे, फिर स्नान करने का मतलब ढूंढेंगे, गंगा आरती देखेंगे, जितना भी टाइम है ना उसको यूटिलाइज करेंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:48, और अभी हम पहुँच रहे घाट की तरफ। मुझे आइडिया नहीं है, शशांक लेके जा रहा है, ठीक है, उसके साथ जाते हैं और मतलब देखते हैं कैसा क्या सीन रहेगा, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ,
देखने के लिए और दर्शन करने के लिए। देख लो पूरा बनारस यहाँ से। ओ भाई बनारस गाइस, हम देखने आए एक अच्छी प्रॉपर्टी। हाँ वो क्या सामने दिख रही है टावर के नीचे, अपने चैनल में बताएंगे ऐसा सीन है गाइस। हम ढूंढ रहे एक अच्छा सा मतलब रूम जहाँ पर मतलब हम 7-8 लोग एडजस्ट हो जाए, देखने आए बताते हैं कैसा क्या सीन है। आप तो गाइस अभी हमने होटल ले लिया है, अभी ऊपर चलते हैं रूम दिखाते हैं आपको और होटल कौन सा हाँ। दिखाते हैं नेक्स्ट टाइम इन केस अगर आप आओ तो आपको मतलब मिल जाए अच्छा होटल। तो गाइस अभी नहा धो के हम निकल चुके हैं घर से और आप जा रहे हैं भाई 80 घाट वाराणसी में जो घाट है वहाँ पर जा रहे हैं और मंदिर पता नहीं चल रहा है अभी जाएंगे या सुबह जाएंगे। लौंडे घूम रहे हैं और लौंडों के साथ हम भी घूम रहे हैं, ऐसा सीन है। देखो ये सारे लोग घूम रहे हैं वाराणसी में घूम रहे हैं। चलो घाट पे लेके चलते हैं, घाट दिखाते हैं, इवन मैं देखता हूँ यार कैसा क्या घाट है यहाँ पे। हम इधर आ गए गाइस, अबे यहीं से एंट्री लेनी है क्या? सामने देखो व्यू, लुक एट दिस गाइस व्यू, क्या ही व्यू है यार। फर्स्ट टाइम इन बनारस, अमेजिंग यार क्या व्यू है यहाँ पे। कैसा लग रहा है सर भाई तुमको बनारस? जेन्युइन बहुत ही खूबसूरत, मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब उधर से गंगा आई है यूं मतलब गई है भाई, क्या व्यू है मतलब लाजवाब। मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता, शब्द ही नहीं है मेरे पास। अभी टाइम हो रहा है 3:50, यहाँ पर सारे लोग आ जाएं उसके बाद में देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। और मतलब मैं तो गंगा स्नान करने के लिए मूड में था बट घर से नहा के आ गया, होटल से नहा के आ गया। चलो चलो आओ बिग फैन आ रहे। अरे हम बहुत सारे चैनल वीडियो देखते हैं। अरे थैंक यू। सब्सक्राइब किया या नहीं किया? सब्सक्राइब और शेयर करते हैं क्या? ये भटक रहे हैं तीनों लोग भाई। इधर का जेन्युइन बहुत खूबसूरत व्यू है यार गाइस। अभी सीन देखो मतलब इस तरह से है, उस साइड से गंगा जी आ रहे हैं और इस साइड में मतलब बह रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सीन है। और आगे मतलब वहाँ पर मतलब लाइक बोटिंग होती है यार, काफ़ी ज़्यादा बोटिंग हो रही है और लोग उधर भी लेके जाते हैं। देख रहे हो सामने इस साइड में भी लोग लेके जाते हैं बोटिंग से। काफ़ी खूबसूरत प्लेस है वाराणसी, उस साइड में मणिकर्णिका घाट है। इडली चल रही है, इधर उत्तम चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं डोसा विद सांबर और नारियल की चटनी के साथ में। अभी टाइम हो रहा है 4:40, अभी हम देख रहे हैं कहाँ जाते हैं, घाट पे जाएंगे मतलब थोड़ा नाइट और हो जाने तो फिर जाएंगे घाट पे, गंगा आरती देखेंगे जाके और दर्शन कल सुबह करेंगे नहा धो के। भाई अमरूद देखो रायपुर के गाइस, अभी हम निकल चुके हैं भाई मंदिर के लिए, बहुत फेमस मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। चंदा लेके BHU बनवाया था इन्होंने, चंदा लेके BHU बनाया था विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। भाई अभी हम एंटर हो रहे हैं यहाँ पर, अभी इस साइड का सीन देखो भाई, काशी विश्वनाथ टेम्पल हम जा रहे हैं और मतलब बहुत ही मतलब यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भाई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि मतलब सीधा रास्ता गया है, ऑटो मतलब ई रिक्शा यहीं पर छोड़ता है, उसके आगे आपको पैदल जाना पड़ता है, ऐसा कुछ सीन है भाई। ये जितना भी एरिया देख रहा हो ना, ये एरिया देख रहा हो, इधर का एरिया देख रहा हो, सारा मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अभी हम इस साइड में जा रहे हैं मंदिर, पहले जा रहे काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसके बाद में हम जाएंगे भाई 80 घाट, वहाँ पे देखेंगे गंगा आरती और कल हम दर्शन करेंगे मॉर्निंग में महादेव जी के, क्योंकि कल हमने डिसाइड किया कल जल्दी से दर्शन करेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे वंदे भारत इनॉग्रल जर्नी कवर करके भाई वापस NDLS न्यू दिल्ली, ऐसा कुछ सीन है हमारा। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर वाले इलाके में और यहाँ पर देखो आप भीड़ देख सकते हो, मतलब ऐसी भीड़ है। अभी मतलब इस साइड में मंदिर है आई थिंक, अभी हम उस साइड में चलते हैं, शशांक लेके जा रहा है, शशांक को पता है यहाँ पर, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ गाइस, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं, इधर हम चलते हैं।
अभी इधर देखो गाइस, काशी विश्वनाथ मंदिर ना काफ़ी खूबसूरत है, और आज बच्चों को डिग्री मिली है जिसकी वजह से यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो रखा है आई थिंक। ये इधर जा रहे हैं, एंट्री लेते हैं उसके बाद में, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये, ठीक है। इस सामने मंदिर है देखो कितना खूबसूरत है, है मतलब जेन्युइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस साइड में कुछ ऐसा सीन है, इधर गार्डन बना रखा है और इधर भी गार्डन बना रखा है भाई। लाइटिंग देखो यहाँ पे, और बैक साइड में मंदिर। तो ऐसा करते हैं, एंट्री लेते हैं और दर्शन करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मंदिर में मे भी फ़ोन अलाउ ना हो, वीडियो अलाउ ना हो, आई डोंट नो, बाकी सारे मंदिरों में होता है अलाउ नहीं होता है, वैसा मे भी यहाँ पर भी हो, कोई आइडिया नहीं है। हम एंट्री ले चुके हैं, देखो भाई मंदिर क्या धार्मिक प्लेस है यार, हम धार्मिक प्लेस में आए हैं और ऐसा सीन हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ। अभी गाइस इधर देखो भाई, कितना शांत मंदिर है और कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। देख लो इस साइड में, कृपया इस पर ना बैठें, ये आसन है किस, और इस साइड में हम जा रहे हैं दर्शन करने, काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं हम। हर हर महादेव, जिनके लिए हम आए हैं, फाइनली उनके दर्शन हो रहे हैं हमें। ये है देखो काशी विश्वनाथ शिवलिंग, यहाँ पे सारे लोग दर्शन कर रहे हैं और अपनी डिग्री रख रहे हैं, और यहाँ पे फ़ोटो वोटो सब अलाउ है, मतलब कोई मतलब मना नहीं है। तो अभी हमने दर्शन कर लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के, एक्चुअली ये बनाया गया है बाद में, और मेन जो मंदिर है ना वो मतलब घाट की साइड में, तो वहाँ पर हाँ परमिशन ली किस चीज़ की। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अभी हम कहाँ जाएंगे हमें कोई आइडिया नहीं। शशांक के साथ जा रहा हूँ मे भी, हम वापस होटल जाएंगे और बाकी हम मतलब वो देखने जाएंगे, क्या बोलते हैं, मणिकर्णिका घाट पे जाएंगे, वहाँ तो मतलब फाइनल है, वहाँ तो जाना ही जाना है। यहाँ पर रात के 12 बजे तक घूम सकते हैं, मतलब ऐसा माहौल बना रहता है, मतलब बहुत स्पिरिचुअल और धार्मिक प्लेस है ना, तो मतलब ऐसा माहौल बना रहता है, तो काफ़ी टाइम तक आप घूम सकते हो यहाँ पर।